हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में, रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो, आपको कई वीडियोस एंड फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा मैं। और वैसे मैंने सोचा नहीं था इतने जल्दी मैं रेप्टाइल्स पर वीडियो लाऊंगा करके, बट एक लड़के ने मेरे सामने केकड़े को रेप्टाइल बोल दिया, तो मैं सोचा कि अब तो वीडियो बनाना पड़ेगा, रेप्टाइल्स की इमेज का सवाल है। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेप्टाइल्स जो होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, टफेस्ट होते हैं रेप्टाइल्स, यानी कि ये काफ़ी पुराने टाइम से इवॉल्व होते आ रहे हैं। गाइज, आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन जब वर्ल्ड बना था, मतलब जैसा हम मानते हैं अर्थ, जब अर्थ की जो ओरिजिन हुई थी, तब से लेके आज तक का जो टाइम है उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रेप्टाइल्स का जो ओरिजिन है वो लेट कार्बोनीफेरस एरा में हुआ था, और मीज़ोज़ोइक एरा तक रेप्टाइल्स इतने बढ़ गए थे, मतलब वो रूल करते थे अर्थ पर मीज़ोज़ोइक एरा में। डायनासोर को हम सब जानते हैं, तो वो मीज़ोज़ोइक एरा में डायनासोर्स का रूल था, और डायनासोर भी एक रेप्टाइल ही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेप्टाइल्स कितने पुराने हैं। वो आपको शायद याद होगा मैंने मैमल्स पर जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि मैमल्स एंडोथर्मिक होते हैं, तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एक्टोथर्मिक होते हैं। और बाय द वे, यदि आपने मैमल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो एक्टोथर्मिक होते हैं। एक्टोथर्मिक का मतलब क्या है? एक्टोथर्मिक का मतलब ये है कि रेप्टाइल्स के बॉडी का टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। इन्हें कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। तो बाहर का जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का, उसके अकॉर्डिंग रेप्टाइल्स अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, चेंज करते रहते हैं। इनकी स्किन की बात करें तो इनकी स्किन वाटर रेजिस्टेंट होती है, वाटरप्रूफ होती है। स्नेक की जो स्किन होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, बट यदि क्रोकोडाइल की स्किन की बात करें तो क्रोकोडाइल की स्किन बहुत हार्ड होती है। इसके अलावा रेप्टाइल्स के जो टीथ होते हैं वो मैमल्स के टीथ की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि मैमल्स के टीथ गम्स में अंदर तक धंसे हुए होते हैं, ऐसा इनके साथ नहीं है। इनके टीथ ज़्यादा अंदर तक नहीं धंसे होते, एक सॉकेट में लगे होते हैं, और इसलिए काफ़ी आसानी से टूट सकते हैं। बट इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर के जो टीथ होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, और क्योंकि इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि ये इवॉल्व हो चुके हैं, ये फ्लैश के टुकड़े करने के अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो चुके हैं। रेप्टाइल्स टेट्रापॉड होते हैं, यानी कि आप जितने भी रेप्टाइल्स देखेंगे वो सब अपने चारों लिम्स का उपयोग करते हैं। आपको ऐसा कोई रेप्टाइल नहीं मिलेगा जो सीधा खड़ा होता हो, यानी कि सीधा खड़ा होकर दो पैर पर चलने वाला कोई रेप्टाइल नहीं होता। बट ऐसे भी रेप्टाइल्स होते हैं जिनके लिम्स होते ही नहीं, जैसे स्नेक। स्नेक के जो लिम्ब होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, रिड्यूस हो चुके होते हैं, पूरी तरह से अब्सेंट होते हैं, एंड वो रेंगते हैं, सिर्फ रेंग सकते हैं स्नेक। ऐसा कोई स्नेक नहीं है जिसके पैर होते हैं, बट ऐसी लिजर्ड है जिसके पैर नहीं होते, जिनके लिम्स नहीं होते। मैं आपको पिक दिखाता हूँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो स्नेक है बट वो लिजर्ड है एक। ये देखिए, ये ग्लास लिजर्ड, ये आप कहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक स्नेक है बट ये एक लिजर्ड है। क्या आपको पता है, आपको ये साइंटिस्ट कैसे पता लगा है कि ये एक लिजर्ड है स्नेक नहीं?
यदि आपको पता है तो फिर आप कमेंट पर लिखिए, यदि आपको नहीं पता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर इसका रीज़न बताऊंगा। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है रेप्टाइल्स की, वो ये है कि रेप्टाइल्स एग प्रोड्यूस करते हैं। रेप्टाइल्स एक लिविंग चाइल्ड को बर्थ नहीं देते, ये सीधे ये एग प्रोड्यूस करते हैं। कई ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जैसे क्रोकोडाइल एंड टर्टल जो रेत में दबा देते हैं एग्स को, अंडे देने के बाद उन्हें रेत में ढक देते हैं ताकि वो वहाँ पर प्रोटेक्टेड रहें। फिर जब वहाँ से एग से जब स्प्रोजेनी निकलते हैं तो वो अंडे को तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं रेत से। क्रोकोडाइल के जो बच्चे होते हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एक छिपकली जितने बड़े होते हैं और ये बचपन से ही तैरना सीख जाते हैं। वैसे स्नेक एंड बाकी रेप्टाइल्स के जो बच्चे होते हैं जैसे क्रोकोडाइल के बच्चे, इनको अपनी स्पीशीज से ख़तरा होता है क्योंकि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कैनिबल होते हैं नेचर में, यानी कि ये अपनी ही जाति के अदर एनिमल को खा सकते हैं। बहुत सारे रेप्टाइल्स वेनमस होते हैं यानी पॉइजनस होते हैं, तो काफ़ी सारे स्नेक्स आप जानते हैं जैसे कोबरा, मांबा, वाइपर्स, ये सब पॉइजनस होते हैं। एंड ये जो स्क्रीन पर आपको लिजर्ड दिख रही है ये भी पॉइजनस है, ये हेलोडर्मा कहते हैं, बट इसका कॉमन नेम गीला मॉन्स्टर है। एंड देखने से ही पॉइजनस लग रही है। तो बट ऐसे कई स्नेक भी होते हैं गाइस जो पॉइजनस नहीं होते, जैसे कि पाइथन, एनाकोंडा, बोआ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो स्नेक है ये बोआ है, तो ये पॉइजनस नहीं होते हैं। एंड कई लोग पाइथन से भी घबराते हैं, बट आपको बता दूं इनमें बिल्कुल भी पॉइजन नहीं होता है। यदि आपको कहीं भी पाइथन दिखे तो आप घबराइएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा। जो स्नेक पॉइजनस नहीं होते जैसे कि यही एनाकोंडा, पाइथन, ये अपने शिकार को मारने के लिए उनका दम घोट कर मारते हैं, यानी कि ये कॉइल्ड हो जाते हैं उनके चारों तरफ और उनके बोन्स क्रैक कर देते हैं और उनकी ब्रीदिंग रोक देते हैं, तो इस तरह से शिकार करते हैं। गाइस इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह, कई केस हुए हैं ऐसे जहां पर किसी स्नेक को बेवजह मार दिया गया हो। कई बार घरों में निकलते हैं स्नेक तो लोग उन्हें देखते ही मार देते हैं, ये गलत है। जब वो पॉइजनस है ही नहीं, आपको सुन के आश्चर्य होगा 50% से कम स्नेक होते हैं जो वेनोमस होते हैं। तो जब वो वेनोमस है ही नहीं तो उनको मारने का क्या फ़ायदा, और यदि वो वेनोमस हैं, जहरीले हैं, तो भी आजकल आप कई लोग ऐसे हैं जो स्नेक कैचर्स होते हैं, कई वो निकाल सकते हैं उनको। आप भी कोशिश कर सकते हैं, पूरी कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको बाहर निकाल सकें मारने के बजाय, तो अवॉइड कीजिए किल करना किसी भी एनिमल को। और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए कि सांपों को मारना नहीं चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि मैं मतलब ऐसा कोई धार्मिक रीज़न नहीं है इसका कि सांप को मारने से पाप पड़ता है, ऐसा सब कुछ नहीं, बायोलॉजिकल रीज़न। हर एक एनिमल इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, जिसमें स्नेक भी शामिल है। फ्रेंड्स रेप्टाइल्स की दुनिया बहुत ब्यूटीफुल होती है, इसमें बहुत रंग बिरंगे मेंबर्स होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये कैमिलियन लिजर्ड है, ये मेडागास्कर में पाई जाती है और देखिए कितनी कलरफुल है। ऐसे ही बहुत सारे स्नेक्स होते हैं रंग बिरंगे, और भी गिरगिट एंड इगुआना, और भी लिजर्ड्स होती है, बहुत कलरफुल होते हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे रेप्टाइल्स हैं तो आखिर वर्टिब्रेट्स ही, क्योंकि इन पर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, और जितने भी एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है वो सारे वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है।
इसके फ्लेक्सिबल होने के कारण ही स्नेक्स, क्रोकोडाइल, ये सारे जितने भी रेप्टाइल्स हैं ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बहुत ही रैपिडली एक्शन लेते हैं। एंड गाइस, बिहेवियर की यदि बात करें तो रेप्टाइल्स ग्रुप में नहीं रहते, यानी कि इनका कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता। हालांकि कभी कभार जैसे क्रोकोडाइल हो गए, इनकी थोड़ी सी छोटी कम्युनिटी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि यदि ये साथ में रहते हैं किसी तालाब में या किसी लेक में, क्रोकोडाइल्स का एक ग्रुप है, तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसलिए क्रोकोडाइल ही हमको थोड़े से सोशल दिखते हैं। बाकी सारे जो रेप्टाइल्स हैं वो आपको सोलो ही दिखेंगे, अकेले। तो आई होप गाइस आपको सारे कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी, बट फिर भी यदि कोई डाउट है आपको रेप्टाइल्स को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। इसके एग्जांपल्स हैं स्नेक, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, सारी लिजर्ट्स, जितनी भी लिजर्ट्स पाई जाती है सारी रेप्टाइल्स के एग्जांपल हैं, मॉनिटर लिजर्ट्स, कोमोडो ड्रैगन्स, टर्टल्स। सो थैंक यू गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।